हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभी पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस इन दिस वीडियो वी विल सी द न्यूज़पेपर रीडिंग गाइड फॉर 18th ऑफ नवंबर 2020 आज हम देखेंगे कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पे कौन सी न्यूज़ आपको पढ़नी है सी न्यूज़पेपर रीडिंग इज एन आर्ट वी डोंट ऑलवेज नो वट टू स्टडी एंड वट नॉट टू और सिविल सर्विसेज एग्जाम्स में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्चुअली सी विच न्यूज टू स्टडी एंड विच टू लीव बिकॉज हर दिन सारा न्यूज पेपर आपको नहीं पढ़ना डिस्पाइट मैनी एस्पिरेंट स्टडिंग फॉर आवर्स एवरी डे दे आर नॉट एबल टू गॉज वट एक्चुअली इज टू बी रेड इन अ न्यूज़ पेपर तो यहाँ पर आपकी वही प्रॉब्लम सॉल्व करने की हम कोशिश कर रहे हैं सो लेट एस स्टार्ट विद टूडेज न्यूज पेपर आज के न्यूज पेपर में इन द हिंदू आर फ्रंट पेज देर आर टू न्यूज़ वन इज वट मैकेनिज्म डू यू हैव अगेंस्ट फेक न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट फेक न्यूज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को पूछा है कि आपके पास इसको कर्ब करने के लिए इसको कंट्रोल करने के लिए क्या मैकेनिज्म है अगर नहीं है तो यू क्रिएट वन अदरवाइज वी विल क्रिएट वन सो यहाँ से आपको पॉलिटी के लिए भी बहुत सारा फॉर्डर मिलता है हाउ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव रिलेटेड हाउ इट इज एक्चुअली द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर टू फॉर्म अ लॉ

वट आर द challenges दैट फेक न्यूज पोज एंड ऑल दैट इसी में एक टर्म आपको देखनी है वट इज डीप फेक वट इज डीप फेक सो इस कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज आपके इम्पोर्टेंट है यू हैव टू रीड इट सेकेंड गुपकर अलायंस एंड अनहोली ग्लोबल गठबंधन सेज शाह तो होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है कि गुपकर अलायंस इज एन अनहोली होली अलायंस तो ये पॉलिटिकल न्यूज है उस कॉन्टेक्सट में हमने नहीं जाना वी जस्ट हैव टू सी वट इज अलायंस सो गुपकर अलायंस इज एन आउटकम ऑफ द गुपकर डिक्लेरेशन श्रीनगर में एक जगह है गुपकर वहां पर सारी जो बीजेपी के अलावा बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू एंड कश्मीर की उन्होंने इकट्ठे होकर एक डिक्लेरेशन साइन की एक अलायंस बनाई दैट वी वांट टू रिटर्न टू द प्री अगस्त 5 2019 सिचुएशन यानी कि अगस्त 5 2019 को जो आर्टिकल 370 और 35 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किए गए थे उन्हें हम दोबारा से रिस्टोर करवा कर रहेंगे ये इनका विजन है ये इनका फाइनल एजेंडा है तो गुपकर अलायंस या फिर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन पी ए जी डी जो है इसका मेन एजेंडा ये है और सारी रीजनल पार्टीज इसमें इंक्लूडेड हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट ऑन जे एंड के पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट सो वेरी इंपॉर्टेंट एम पी प्लानिंग लॉ अगेंस्ट लव जिहाद मिनिस्टर। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद नाउ इवन मध्य प्रदेश इज़ प्लानिंग अ लॉ अगेंस्ट लव जिहाद तो लव जिहाद इज़ अ परसीव्ड टर्म जो कि कहा जाता है कि किसी को किसी के साथ शादी सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि उनका रिलीजन कन्वर्ट कराया जा सके उनका रिलीजियस कन्वर्जन हो सके तो अगर ऐसा रिलीजियस कन्वर्जन प्रूव हो जाता है दैट द मैरिज वॉज प्राइमरि फॉर द पर्पज़ ऑफ कन्वर्टिंग द अदर पर्सन टू वन ओन रिलीजन तो वो उसको कब करने के लिए ये लॉ लाया जा रहा है और दो स्टेट्स इसको ऑलरेडी लेके आ चुकी हैं दिस इज इम्पॉर्टेंट नाउ इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में यू हैव टू सी हाउ इट गोज अगेंस्ट एंड विद आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाउ इट गोज अगेंस्ट आर्टिकल नाइनटीन एंड आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ को ये कैसे इम्पैक्ट करता है पर्सनल लिबर्टी को कैसे इम्पैक्ट करता है राइट टू रिलीजन को कैसे इम्पैक्ट करता है ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी कप्टन माइंड वेदर फोर्स कन्वर्शन आर अलाउड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट

पेज नंबर सिक्स इज द एडिटोरियल पेज शॉर्ट इन दम फर्स्ट एडिटोरियल शॉर्ट इन दम सो एवरी वैक्सीन कैंडिडेट दैट पास दिग्निफिकेंट इज अन्न फॉर द वर्ल्ड एट लार्ज कोरोना वायरस को कब करने के लिए फाइजर ने फाइजर एक कंपनी है एक वैक्सीन डिवेलप की है जिसके नाइंटी फाइव परसेंट से भी ज्यादा एफिकेसी प्रूव हो चुकी है अब परसेंट एफिकेसी इज अ वेरी वेरी हार्टनिंग एंड वेरी एनकरेजिंग ट्रेंड और अगर ये थर्ड फेज ट्रायल को भी क्रॉस कर जाती है देन इट कैन वेल बी द फर्स्ट वैक्सीन टू हिट द मार्केट्स और हैरानी की बात यह है कि इसी के साथ दो और कंपनीज भी हैं जिन्होंने 90 परसेंट से ऊपर की एफिकेसी जो है वो क्लेम कर दी है तो अगर ये सारे क्लेम्स अच्छे हैं सो बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर द वर्ल्ड कैन एक्चुअली गेट रिड ऑफ द कोरोना वायरस पैंडमिक तो अगर एक बार वैक्सीन जो है वो प्रॉपरली बन जाएगी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी दैन इट विल बी अ वेरी गुड सीनेरियो तो ये यहाँ पर यही बात की गई है दैट हाउ दिस वैक्सीन डिवेलपमेंट कैन एक्चुअली हेल्प कर्ब द पैंडमिक लेकिन इसमें इंडिया के लिए कुछ चैलेंजेज हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है जैसे कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिन्हें माइनस सेवेंटी से माइनस एटी डिग्रीज सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ेगा तो जो गरीब कंट्रीज़ हैं एफ्रीकन कंट्री साउथ एशियन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया Do these countries have such type of infrastructure and cold chain facility that they can actually store this vaccine at such a temperature for such a vast, you can say, quantity? That is a question that needs to be asked. The challenges for India is what you need to prepare. Then, next fragile ceasefire. International relations may Armenia or Azerbaijan may dispute. Chal

गुड बाइलेट्रियल रिलेशन विद इंडिया नॉट वेरी बिग और लार्ज कंट्रीज़ और इकोनॉमीज़ बट दिस डिस्प्यूट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इन्वाल्व सो मैनी ऑफ द सुपर पावर्स फॉर एग्जाम्पल अजरबाईजान को सपोर्ट करने के लिए मुस्लिम वर्ल्ड मिडल ईस्ट इंक्लूडिंग टर्की दे आर वाचिंग फॉर इट ऑन दी अदर हैंड आर्मेनिया इज़ सपोर्टेड बाई रशिया सो दिस स्मॉल कन्फ्लिक्ट जो है ये बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट बन सकता है आने वाले टाइम में सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट नगोर्नो काराबाक इशू एंड अर्मेनिया अज़रबाइजान रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट दिस यू हैव टू स्टडी ऑन पेज नंबर सेवन कॉन्स्टिट्यूशनल फॉल्ट लाइन्स ये भी आर्टिकल आपको पढ़ना है तो तमिलनाडु के गवर्नर को एडवाइस किया गया था कि जो राजीव गांधी एसेसिनेशन केस में कन्विक्ट उन्हें रिलीज कर दिया जाए बट द तमिलनाडु गवर्नर हैज नॉट डिसाइडेड टू एक्ट ऑन इट हिज़ इन एक्शन ऑन एडवाइस टू फ्री कन्विक्ट वॉर जुडिशियल इंटरवेंशन तो यहाँ पर गवर्नर की पावर उसकी पोजिशन और हाउ द एडवाइस गिवन बाय द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर टू द गवर्नर कैन बी बाइंडिंग और नॉट इस कॉन्टेक्सट में ये इंपॉर्टेंट है गवर्नर का ऑफिस जो है वो यहाँ पर हाईलाइट होता है वैदर द गवर्नर कैन लुक पास्ट द एडवाइस स्टैंडर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर और नॉट और उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन अगर होगी तो किस हद तक हो सकती है अगेन एन आर्टिकल रिलेटेड टू योर पॉलिटी आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजीव गांधी असेसिनेशन केस क्या था 1991 में ऑन ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे मिस्टर राजीव गांधी हु वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वॉज असेसिनेटेड और लिब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम ने उनको असेसिनेट करने का क्लेम किया था तो उसके जो कन्विक्ट वो आज तक जेल में हैं फॉर द लास्ट थ्री डेकेट्स तो अब उनको रिलीज करने के लिए जो चीफ मिनिस्टर है वो उनको अर्ज कर रहे हैं गवर्नर को बट द गवर्नर इज नॉट एक्टिंग ऑन दैट एडवाइस सो दिस इज इट उसके बाद हम आते हैं ऑन द वर्ल्ड पेज सो ऑन द वर्ल्ड पेज श्रीलंका टू ओपन अप चाइनीज बैक पोर्ट सिटी तो द पॉलिसी ऑफ चाइना टू एनसर्कल इंडिया विद इट्स पोर्ट्स विद इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उस कॉन्टेक्सट में ये इंपॉर्टेंट है व्हाट इज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के साथ चाइना कैसे अपने रिलेशंस को बढ़ा रहा है ऑल दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट हेयर उसके बाद लेट इज नाउ डायरेक्टली जंप टू द इंडियन एक्सप्रेस सो ऑन इंडियन एक्सप्रेस ऑन पेज नंबर वन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लक्ष्मी विलास बैंक प्लेसड अंडर थर्टी डे मॉरिटोरियम बाई आर बी आई तो vilas bank बैंक जो है उसकी फाइनेंशियल हालत बहुत ख़राब होने की वजह से उसको मॉरिटोरियम के अंडर डाल दिया गया है यानी कि डिपॉजिटर्स जो है वहाँ से एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में पैसा निकाल सकते हैं सो दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर योर इंडियन इकोनॉमी परसपेक्टिव क्योंकि इससे पहले भी कुछ बैंक्स ऐसे हैं जैसे कि येस बैंक दैन योर आई एंड एफ तो कुछ ऐसे बैंक हैं जो पहले भी इस तरह के बैन से गुजर चुके हैं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर इंडियन इकोनॉमी परस्पेक्टिव देन ऑन इंडियन एक्सप्रेस डायरेक्टली जंप टू द एक्सप्लेन पेज सो ऑन एक्सप्लेन पेज आर्टिकल थर्टी टू एंड सुप्रीम कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम इंडियन पॉलिटी परसपेक्टिव यह आर्टिकल आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको नोट्स में एड करना है जहां भी आप पॉलिटी के नोट्स बना रहे हैं all right so these were the news that you have to read in these two newspapers today if you like the video do like share and subscribe it thank you and have a nice day